नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा दाखिल किया, नामांकन दर्ज किया और इसी के साथ अब औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन और कांग्रेस ने भी अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया, जिन्हें बेहद कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि 2014 में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो उम्मीदवार रहा उसकी कड़ी थोड़ी सी कमजोर नजर आई। अब हाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी में कोई बड़ी चुनौती देखी नहीं जा रही है और इसी बीच एक चुनावी समीकरण जो बन रहा है वो इस तरीके से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को लेकर के जो लगातार क्यास लगाए गए कि वाराणसी में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगी। अगर ऐसा होता तो वाकई देखना होता, ये दिलचस्प हो जाता मुकाबला पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार खासतौर पर अन्ना आंदोलन के बाद जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया भ्रष्टाचार को लेकर के, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बिल्कुल फ्रंट में आ गए थे और जब राजनीति में उनका हिस्सा लेने को लेकर के लगातार हवाएं तेज हुई और उनका जोर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, तो अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ा और मुकाबला टक्कर की दी। अब नतीजे कुछ ऐसे रहे कि 51% से ज्यादा वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चले गए और वहीं अरविंद केजरीवाल को 20% वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं कांग्रेस से उम्मीदवार। अब इसी बीच इस बार के मुकाबले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास दूर दूर तक कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। वाराणसी के आम चेहरे ही इस बार भी मुकाबले के लिए हिस्सा ले रहे हैं। अब इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाने लगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी देखा जाने लगा, लेकिन जब धरातल पर काम करने की बात आई या फिर उम्मीदवारी देखने की बात आई तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आए। वो उसका कारण यह है कि प्रियंका गांधी को महासचिव बनाने के बाद जहां सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की तरफ होना चाहिए था वो बदल करके प्रियंका गांधी की तरफ हो गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं तो मुद्दे भी कहीं नजर नहीं आ रहे। जो कल की तस्वीर और आज की तस्वीर वाराणसी से निकल कर आई, अगर उसको हकीकत माने या उसको नतीजा मान ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो दबाव अब विपक्ष पर बनने वाला है वो साफ बन चुका है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए कंपटीशन तगड़ा नहीं माना जा रहा है, बड़ी आसान जीत मानी जा रही है। शायद यही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दर्ज करने से पहले, पर्चा भरने से पहले जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो ये कहते हुए नजर आए कि अब मुझे डर चुनाव जीतने की नहीं है, क्योंकि चुनाव मैं जीत चुका हूं, वाराणसी को मैं जीत चुका हूं। अब अगर लड़ाई है तो सिर्फ लोकतंत्र की है, लोकतंत्र को लेकर के नए आंकड़े बनाने की जिम्मेदारी अब उन पर और उनके कार्यकर्ताओं पर आती है। अब उसके मद्देनजर काम लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जाकर के कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारत को सर्वोपरि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। इस बीच कांग्रेस का अस्तित्व कहां है, यह अहम सवाल है। तीन फेसेस हो चुके हैं चुनाव के, कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है इस पर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा भरने के बाद क्या कुछ कहा, एक बार सुनवा देते हैं। देशवासियों का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। 5 साल के बाद फिर एक बार काशीवासियों ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, एक प्रकार से कल शाम को 5 बजे से लेकर अगर रात के 4-6 घंटे निकाल दें, शायद इतना लंबा रोड शो, 12-15 घंटे का रोड शो एक काशीवासी ही कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद
काशीवासियों ने दिए हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि सभी मतदाता जहां जहां चुनाव बाकी है, तीन चरण हुए हैं, बाकी जो भी मतदान बाकी है, सभी चरण में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हमारे देश के मतदाता मतदान करें। और इसी बीच शालिनी यादव, अजय राय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनावी मैदान में हैं, दंगल में कूद चुके हैं। देखना होगा किसका पलड़ा कितना भारी है, लेकिन अगर तस्वीरों पर यकीन माने और जो दो दिन से देख रहे हैं उसके बाद तो साफ लग रहा है कि एकतरफा मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को जीत जाएंगे। चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आकाश राय है नेता भारतीय जनता पार्टी से, आजम अंसारी है नेता कांग्रेस से है, और साथ ही साथ मेरे साथ आजाद खालिद जुड़ गए, हमारे सीनियर न्यूज एडिटर। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आप सभी का। अब इसी के साथ आजाद, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जब समीकरण की बात कर रहे हैं, बदलते माहौल की बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, तो कांग्रेस ये शायद मान चुकी है कि उत्तर में जीतना थोड़ा मुश्किल है। शायद यही कारण है राहुल गांधी हो या कांग्रेस के अन्य नेता थोड़ा सा दक्षिण की तरफ रुख ज्यादा कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से जीता जाए। देखिए, समीकरण के अलावा अब राजनीति में टेम्परेचर भी बहुत कुछ होने लगा है। इक्वेशंस के अलावा अगर आप बात करें, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों हैं, और जिसे कहना चाहिए सामंजस्य भी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो महागठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस को छिटकाया गया है, दो सीटों पर उसको ऑफर किया गया, उसके बाद उसके लिए भी एक वजूद का सवाल हो गया था, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान का सवाल था, जिसके बाद उन्होंने अकेले मैदान में उतरने की बात कही और एक चैलेंज के तौर पर उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वही चैलेंज उनके लिए एक कहीं ना कहीं सवाल भी बन गया। हालांकि राहुल गांधी को लेकर अगर देखें, जिस तरह वायनाड में उन्होंने नॉमिनेशन किया है, एक सेफ गेम खेलने की बात कही है। हालांकि और लोग भी लड़ते रहे हैं, पीएम मोदी भी पहले लड़ते रहे और लोग बहुत लोग लड़ते रहे, तीन तीन जगह से भी लोगों ने चुनाव लड़े, लेकिन जनता पल पल के अंदर होने वाले फैसलों पर नजर रखती है। आप जैसे क्रिकेट में एक गलत बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर चली जाती है और एक गलत स्टेप जो है वो विकेट गिरा देता है, ऐसी राजनीति में एक स्टेप जो है वो कभी कभी बहुत कुछ मैसेज दे जाता है। प्रियंका गांधी को लेकर बहुत माहौल बना हुआ था कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी और एक कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी मानी जा रही थी कि पीएम मोदी को और अमित शाह को वहां पर बिजी कर सकती है कांग्रेस, और ताकि प्रियंका गांधी का और उनका मुकाबला हो, भले हार जाए लेकिन वहां पर एक मुकाबला होगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से वहां पर बैकफुट पे गई हैं, और उसके बाद अजय राय को उतारा गया जो कि पिछली बार भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, हालांकि 5 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन पीएम के सामने उनका कहीं कुछ टिक नहीं रहा। हालांकि अगर बनारस की जनता के साथ बात करें तो केजरीवाल 2 लाख से ज्यादा वोट लेकर कभी वहां नहीं आए, तो ऐसे में पीएम मोदी का जो कल की रैली है वो ये साफ करती है कि जनता का जो माहौल है, हालांकि विपक्ष खासतौर से कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बाहर की भीड़ है, किराए की भीड़ है, लेकिन किराए की हो या जैसी भी हो, लेकिन एक माहौल आप जो देख रहे हैं वो अपने आप में एक मैसेज दे रहा है। जहां तक सवाल आपने किया कि क्यों कांग्रेस जो है साउथ की तरफ जा रही है और उत्तर से हटना चाहती है, कांग्रेस के पास एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है हार का, उसके लिए ये नारा तक होने लगा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन वो रिटेन करके अब आई है, उसके पास 3 स्टेट जरूर आ गए हैं, लेकिन अभी भी उसके लिए चैलेंज है, खासतौर से राहुल गांधी की रिजीम को पूरे को चैलेंज है कि किस कोई भी वो एक भी स्टेप ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जहां पर उनको ये लगे। लेकिन अगर बात करें पीएम मोदी की, बात करें अमित शाह की रणनीति की, बात करें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और बात करें बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यकीनन भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक तो महागठबंधन का बिखराव और दूसरा बीजेपी की स्ट्रेटजी, और कहीं ना कहीं जो चीजें हो सकती थी हैं, विपक्ष जो कर सकता था वो विपक्ष नहीं कर पाया, ये भी जनता देख रही है। साची बिल्कुल ठीक। आजम साहब, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस से उम्मीदें बहुत थी कि एक कम से कम एक बेहतर विपक्ष के रूप में तो उभरे, 5 साल बीत गए, विपक्ष की भूमिका आप ही नहीं समझ पाए हैं, आप ही नहीं डिफाइन कर पाए हैं कि आपकी परिभाषा क्या है, एक विपक्ष होता क्या है, और यही कारण है कि खुद चिदम्बरम भी ये कहते हैं, पी चिदम्बरम, कि भारतीय जनता पार्टी का रोल एक विपक्ष के तौर पर सबसे सही रहा है। सरकार के रोल पर जो रिपोर्ट कार्ड रहा है वो हम देख रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड आपने भी 2 दिन में देखा,
क्या देख रहे हैं अपना अस्तित्व और कहां है कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में? आजम साहब आवाज पहुंच रही है? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। काश आपके पास आऊंगी। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो एक विपक्ष के रूप में मजबूत विपक्ष बन करके निकला है और जो दो दिन से वाराणसी की सड़कों को देख रहे हैं तो अंदाजा लगा पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में क्या अर्जित किया है। लेकिन इसी के साथ वाराणसी की सड़कों से मुद्दे कहां गायब हो गए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी सिर्फ मोदी लहर देख रहे हैं। विकास कहां है, मुद्दा कहां है, राष्ट्रवाद कहां है? जी हेलो जी सर, आवाज नहीं है। बनारस आजाद साहब, दोनों गेस्ट से मेहमानों से हमारा संपर्क थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी। वाराणसी की सड़कों पर मुद्दों को देखते हैं, जब गंगा को स्वच्छ करने की बात आती है तो ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जहां पर गंगा मलिन नजर आती है और कहा जाता है कि बहुत बड़ी नदी है, इतना आसान नहीं है साफ करना। फिर दूसरी बात व्यापारियों को लेकर के कहें, जीएसटी के बाद जो अंधाधुन एक के बाद एक बयान विपक्षी पार्टियों ने डाले हैं, आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो ये कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुद्दों को कहां देख रहे हैं वाराणसी की सड़कों पर? देखिए साची, 2014 की लोकसभा का अगर आप परिदृश्य देखेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो सत्ता की जिम्मेदारी है उसी जिम्मेदारी को अगर देखा जाए तो जनता विपक्ष को भी देती है। विपक्ष का भी एक रोल होता है, लेकिन अगर देखें तो इस बार कोई विपक्ष नहीं था सर्टिफाइड जिसे विपक्ष कहा जाए। कांग्रेस को भी 44 जो सीट्स मिले थी वो जो जितना नंबर ऑफ विपक्ष के लिए चाहिए होता वो नहीं था। यानी जनता ने प्रचंड बहुमत से भी ज्यादा बहुमत देकर बीजेपी को कहा कि आप काम करिए। कांग्रेस को विपक्ष के लिए सिर्फ कहा कि आप काम करिए, लेकिन टोका टाकी की हद तक। विपक्ष की उनके पास जो स्ट्रेंथ थी बहुत कमजोर थी, लेकिन उनके पास सड़क पर उतरने का बहुत मौका था। अगर बात करें बिल्कुल शुरू में तो जितने वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से तो राजनीति के जानकार ये मानते थे कि बीजेपी के लिए यही वादे कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएंगे आते आते। लेकिन अगर विपक्ष के तौर पर देखें तो कांग्रेस या और जो दूसरे दल थे वो 4 साल तक सिर्फ इंतजार में बैठे रहे कि जब चुनाव आएंगे हम सड़कों पे उतरेंगे। यानी जनता ने अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम भी सड़कों पे नहीं आएंगे। अगर जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था कि बीजेपी ने विपक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में भी आप देखें हर मुद्दे को उन्होंने बुनाया, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे आज वो उन्हीं के लिए सवाल बन गए थे। लेकिन कांग्रेस या कोई और दल उन सवालों को लेकर बीजेपी को घेर नहीं पाई, ये यकीनन कांग्रेस की एज ए विपक्ष नाकामी रही है। जिन मुद्दों पर आप बात करें, आधार की आप बात करें, जीएसटी की, यही बीजेपी उनका विरोध करती थी, यही बीजेपी महंगाई को लेकर कहती थी। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वापस उनके पास जाऊंगी। आजम जी आपसे पूछूंगे, विपक्ष के तौर पर आपकी भूमिका कहां थी? अभी तक भी 5 साल हो गए, कांग्रेस को विपक्षी पार्टी के रूप में देखा ही नहीं जा सकता। कुछ समय पहले जब रफाल मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया तो एक उम्मीद सी जगी थी कि शायद महागठबंधन का नेतृत्व करने वाला चेहरा हमें मिल गया, लेकिन चुनाव आते आते वो भी बिखर गया। ऐसा नहीं है, आप शायद आपको मालूम नहीं है कि विपक्ष की भूमिका में और पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने यहाँ तक देश को मजबूर कर लिया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत ने कहा कि रफेल की फाइल चोरी हुई उसको पेश कर उसको इसका एक भाग बनाया जाएगा। आज हालात क्या है और वाराणसी से लेकर पूरे देश तक एक विपक्ष की भूमिका केवल उसके पक्ष पर खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन विपक्ष के रूप में गठबंधन नहीं नजर आया। आकाश जी, गठबंधन के लोग तो पहले भी साइलेंट थे, जो सीबीआई के छोटे से डरते थे, जो ईडी के छोटे से डरते थे, कहीं ना कहीं, लेकिन राहुल गांधी उसको हमेशा नजर आए अपनी बात को कहते हुए। और दूसरी बात मैं कहूँ मैडम, दूसरा बात अगर मैं कहना चाहूँ कि जो हालात पैदा हुए हैं देश के अंदर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उठती आवाजों को कुचलने का काम किया है, दबाने का काम किया है,
लेकिन जिस तरीके से राफेल के मुद्दे पर पूरी देश ने देखा है। आजम जी आपकी आवाज दबी, अभी आप ही कह रहे हैं लोकसभा में आपने लोकतंत्र को पूरा दबाने की कोशिश की गई, कभी किसी का उलझाने की कोशिश की गई, कभी पारिवारिक दबाव दबाए गए, मैं समझता हूँ। और जो मोदी जी के डेवलपमेंट की और जुमलों की बात है, जिन गांवों को आकाश जी जब इस देश पर आपातकाल थोपा गया था, ये बात करते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन इनकी स्थिति ये है, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी से 15 साल सांसद रहे और आज की डेट में जब उनको ये एहसास हो गया है कि वहां की जनता इस बार उनको वहां से नकार देगी और स्मृति ईरानी जी को चुनाव जिता के संसद भेजेगी, तो ये चुनाव लड़ने के लिए भाग गया वायनाड की तरफ। अब ये बात करते हैं विकास की, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो लोग भी बनारस में 2014 से पहले गए होंगे, वो अगर आज की डेट में बनारस जाएंगे कभी पर्यटन की दृष्टि से, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने या किसी भी काम से, तो वो उनको वहां पे बदलाव दिखेगा। विकास क्या होता है ये आपको बनारस में देखने को मिल जाएगा। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी के सांसद बनने के बाद कम से कम 3,000 करोड़ रुपए के वहां पे विकास के कार्य करवाए गए, जो आज लोगों को वहां पे दिख रहा है। और बनारस की जनता आप देखिए कि कल जिस प्रकार से वहां पे जनसैलाब उमड़ा नरेंद्र मोदी जी के लिए, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से भाग रहे हैं ना आप, एक बार के लिए कहां से छोड़ दीजिए, कहां है मुद्दे आपके पास? राष्ट्रवाद के अलावा क्या मुद्दा है आपके पास? क्या खत्म करेंगे इस देश से, कौन सी बुराई को खत्म करने वाले? मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। हम विकास के मुद्दे पे काम करते हैं और हमने 5 साल में जो विकास किए हैं उन विकास के कामों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम खुलेआम चुनौती के साथ लोगों के बीच में बताते हैं कि हमने कौन कौन से काम जनता के लिए किए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने 60 सालों के राज में जो उन्होंने काम किया, आप देखिए कि 10 साल इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, तो दुकानदारों को क्यों मजबूरी में वोट लगाने पड़ेगी? काम पे दुकानदारों को क्यों वोट लगाने पड़ेगी? कमल का फूल हमारी वोट, आप सुन लीजिए, ये क्यों वहाँ के वाराणसी के दुकानदारों को लगाना पड़ा कि हमारी वोट कमल का फूल नहीं मानते हैं? मैं आपसे चुनौती बताइए ना, वहाँ के दुकानदारों को क्यों चीज लगाने की नौबत आई? एक देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र है, ऐसे लोकसभा क्षेत्र के अंदर वहाँ की आवाम को ये कहने में मजबूर होना पड़ा कि कमल का फूल हमारी भूल, और ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? अरे ये चीजें आप कहते हैं और आप और जो लोग सबका साथ सबके विकास की बात करने आए थे वो केवल जुमलों का विकास कर पाए, वो झूठ का विकास कर पाए, उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है। और देश के अंदर 5 चीजें मोदी जी बताए कि उन्हें 5 नाम पर उन्होंने कोई काम कराओ, 5 ऐसी चीजें करा रहे देश के अंदर, जो हमारी बात करने के बाद से क्या फायदा है? और जो गोद वाराणसी में गांव गोद लिए थे, आज उनकी दुर्दशा बेकार है, वो लोग चीख चीख कर रो रहे हैं, उस उन्होंने तय करने आया कि अपने नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाना है। आपकी समस्या ये है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलते, आप गांव में जाके देखते हैं, उन व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं जहाँ आपने सीबीआई का डर दिखाकर ईडी का दिखाकर लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की, लोगों को घुसने की कोशिश की, राफेल की फाइल चोरी करके ये बता दिया कि देश के अंदर चौकीदारी चोर है। निकलेंगे तब आपको पता चलेगा धरातल पे क्या हो रहा है। आप जाइए, जाके गाँव में देखिए, जनता के बीच में जाइए, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनारस को मिल रही है। जी आजाद, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम इस बार बंगाल में 2 से 20 सीट लेकर के आएंगे, केरल में भी 2 सीट आएंगे, कर्नाटक की सारी सीट जीत लेंगे, गुजरात की सारी सीट जीत लेंगे और ये आंकड़ा 300 पार चला जाएगा और एनडीए का 400 के पार चला जाएगा। लेकिन जब सवाल मुद्दों की तरफ देखते हैं तो आप नहीं लगता इस बार मुद्दों पर जिक्र कम हुआ है? देखिए, देश के अंदर बड़े बड़े बहुमत देखे हैं, देश ने बहुत कुछ देखा है। आप देखें, इंदिरा जी की हत्या के बाद कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन अगर आपने मुद्दों की बात की है तो मुद्दे दोनों के सामने हैं। अगर बीजेपी से आप ये पूछते हैं कि क्योटा कितने शहर बने हैं, कितने स्मार्ट सिटी बने हैं, कितनी बुलेट ट्रेन आई है, कितने रोजगार मिले हैं, तो बीजेपी इस पर बात नहीं करेगी। कांग्रेस से जब आप पूछेंगे कि आपको जो मुद्दे मिले थे, जो जनता के लिए आपको आंदोलन करने के मौके मिले थे, आप कितनी बार सड़कों पे उतरे हैं, आपके यहाँ कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के अलावा कौन सड़क पर है? बाकी तो लोग खुद ही हिट विकेट होना चाहते हैं, उनके बयान देख लीजिए आप, उनके काम देख लीजिए।
पूरी पार्टी के अंदर अगर देखे राहुल गांधी इतने उत्साहित हो जाते हैं, उनको दो दो बार माफी मांगनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ती है, तो ये कौन सा उत्साह है? सवाल ये है कि जनता मुद्दों पे बात करना चाहती है, रोजगार पे बात करना चाहती है, स्वास्थ्य पे बात करना चाहती है, शिक्षा पे बात करना चाहती है, आज कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई है उस पर बात करना चाहती है, लोगों की सुरक्षा कैसी होगी उस पर बात करना चाहती है, लेकिन दोनों पार्टियां, बल्कि दोनों नहीं तमाम पार्टियां सिर्फ बयानबाजी, किसी को अंडरवियर का कलर नजर आ रहा है, किसी को कुछ और नजर आ रहा है, किसी को अली नजर आ रहे हैं, किसी को बजरंग बली नजर आ रहे हैं, मुद्दों पर कोई पार्टी खड़ी नहीं हो रही। बहुमत मिलना, सीट मिलना, ये जनता का मैं समझता हूं भाग्य है और दुर्भाग्य है। सवाल यह है कि मुद्दों पर कब बात होगी, ये सभी राजनीतिक दलों से सवाल है। आजम साहब, सबसे पहले आप जवाब दे दीजिए, राहुल गांधी को आपने एक बड़ा चेहरा बना करके मैदान में उतारा, लेकिन आजाद भी कह रहे हैं दो दो बार माफी मांगनी पड़ जाती है, और एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको आपने पूरे प्रखरता के साथ रखा हो या विश्वास के साथ रखा हो कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख देगा, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है। जनता पार्टी की बौखलाहट साबित कर रही है, 23 तारीख तक अमित शाह गांधीनगर नहीं छोड़ पाए हैं, देश के प्रधानमंत्री घबराहट में जवाब देते हैं, ये राहुल गांधी की देन है और किसकी देन है? और जो हालात मुद्दों पर जाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल दो मुद्दे हैं, गाय, कब्रिस्तान और पाकिस्तान, इसके अलावा कौन सा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है? और जो लोग 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, उनके पास कहां है वो रोजगार? और वे तो नीरव मोदी के पक्ष वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा हम 72,000 रुपया साल देश की गरीब जनता को देंगे, लेकिन फिर आपको ऐसी जनता भी तो मिलती है जो कहते हैं कि 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। कहा सर्जिकल स्ट्राइक? इनकी जो फोर्स कह रही है, सामान्य फोर्स के अधिकारियों ने कहा है, जो इन लोगों ने कहा अंधेरे में सोते में किसी को जवाब देंगे, जब जब आपसे मुद्दों पर बात की जाती है, जब आपसे आप जाते हैं तो आपके पास आते हैं एक सरकार। पूरी दुनिया में किसी को नहीं है आजम जी, आजम जी आप एक बार फिर वही कर रहे हैं, आप सेना के जज्बे पर सवाल उठा रहे हैं। अगर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हुई है तो मान लेना चाहिए, एक अच्छे नागरिक के तौर पर मान लीजिए, थोड़ा शांत रहिए। आकाश जी मुद्दों पर बात कीजिए, बताइए इनकी मानसिकता देखिए, ये कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुआ? ये अभी उसमें नहीं जाएंगे, आप सवालों के जवाब दीजिए, आप सवालों के जवाब दीजिए, अभी सर्जिकल स्ट्राइक समझ जाएंगे। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इन्होंने जो बात बोली कि सेना के उसको छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने अजय राय को उतारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से अजय राय को उतारा है, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे वो, और क्यों उतारा है? क्योंकि लगातार सभी ये कह रहे हैं कि कमजोर नेता है अजय राय जी, 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़के देख चुके हैं, उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, और 2017 के विधानसभा के चुनाव में भी प्रत्याशी थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हराया, तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को चुनौती नहीं दे सकते, तो नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देना तो इस पर जवाब दीजिए। अजय राय पिछले चुनाव को हार गए थे और वो भी जमानत जब्त हो गई थी, मतलब जितना टोटल वोट हुआ उसका छठा हिस्सा भी वो हासिल नहीं कर पाए। मैडम 2014 और 2019 में फर्क है, अजय राय पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन जनता का जोश और जो तस्वीरें कल से देख रही है वो कुछ और कह रही है। मुझे वाराणसी की सम्मानित जनता में पूरा भरोसा है कि वो अजय राय जी को अपने क्षेत्र से सांसद बना के भेजेगी, और देश के प्रधानमंत्री जी जो हवाई बातें कर वादे कर आए थे उनके वादों को मुंह तोड़ जवाब देगी। अरे आप बनारस में जाके देखिए, बनारस में किस प्रकार से विकास हुआ है, आपने षड्यंत्र के भीड़ आप जो रहे हैं सबसे प्राचीन उत्तर प्रदेश और देश का मुरादाबाद से रुक जाइए आजाद जी, हम अक्सर देखते हैं, इतिहास गवाह है, राजनीति में जब जब चुनाव होते हैं ऐसा अनुमान लगाया जाता है तस्वीरों के आधार पर कि इस बार तो जीत शायद ये नेता लेकर के चला जाएगा, ये जीत जाएगा, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो कुछ और होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये तस्वीर भी आज कुछ बोल रही हो लेकिन कल को कुछ और जवाब दे?
देखिए, आपने जो सवाल किया है वो थोड़ा सा बहुत टिपिकल है जी। ये जरूर है कि इस भीड़ को वोट में बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के सामने कैंडिडेट कौन है ये बड़ा सवाल है जी। अगर आप देखें गठबंधन का कैंडिडेट या कांग्रेस का कैंडिडेट, तो ये जो भीड़ है, बिल्कुल आपका सवाल इसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो बड़ा सवाल है। बनारस की कुल आबादी कितनी है, कल सड़कों पे कितने लोग थे, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा भीड़ कितनी है। लेकिन इस देश ने बहुत कुछ देखा है। इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि एक एक वोट जो है वो फैसला करता है, और कल नतीजे क्या आएंगे ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व कब हो गया, हमारे यहां 15 लाख के भरोसे पर वोट देना कब बंद होगा, हमारे यहां 72,000 के वादे पर वोट देना कब बंद होगा, हमारे यहां देश में कब ये सिस्टम आएगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो काम करना है वो कब करने की जवाबदेही तय होगी, एमपी लेड में कितना फंड है वो कितना पहुंचेगा, हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे लिए कब उपलब्ध होगा, उसको कब हम भगवान के दर्जे से इंसान के दर्जे पे लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप मेरा एक सवाल है, केजरीवाल दिल्ली से लड़ रहे हैं लेकिन बनारस में उनको 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट दिया था, वो एक बार भी वहां नहीं गए, क्या ये वहां की जनता के साथ धोखा नहीं है? ये धोखा है बिल्कुल। इन सवालों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, और भावनात्मक जो मुद्दे हैं उनको हटाकर सिर्फ शिक्षा पर, विकास पर, सड़क पर। साथ ही साथ गठबंधन के रोल को कहां देख रहे हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहा है, कांग्रेस उसके बाद आ रही है। इस बार प्रियंका गांधी फैक्टर भी धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है, तीसरे फेज तक हम आ गए हैं। इसके बाद वाराणसी में सपा बसपा का गठबंधन का कोई फैक्टर देख रहे हैं? देखिए, सपा बसपा का जो गठबंधन है वहां पर कितना मजबूत होगा, दलित प्लस यादव और वो कौन मिलता है। लेकिन एक फिल्म आई थी जिसमें कहा जाता था, जब तुम कहोगे तो अच्छा है, जब तुम कहोगे तो बुरा है, तुम कहोगे तो रात है, तुम कहोगे तो दिन है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के खिलाफ थाने में खड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे थे, आज वो दोनों साथ हैं। पिछली बार 2000 इसमें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ थे, यूपी को ये साथ पसंद है। आज अखिलेश कहते हैं कि हमें कांग्रेस ने धोखा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपॉर्चुनिज्म, चाहे वो शिवसेना का या बीजेपी का गठबंधन हो या ओम प्रकाश राजभर का, कि बीजेपी के अंदर मंत्री भी है यूपी के अंदर और कहते हैं नून और रोटी खाएंगे और बीजेपी को हराएंगे, जनता ये भी देख रही है। कहीं ना कहीं गठबंधन के नाम पर जो रिश्तेदारी बनना और बिगड़ना है, यह भी बड़ा सवाल है जी। कहीं ना कहीं, हालांकि ये लोकतंत्र की ब्यूटी है कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर गठबंधन बने, लेकिन मूल्यों पर बने, उसूलों पर होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दर्ज कर चुके हैं। अब सिर्फ मतदाता या ये कह लीजिए भाग्य विधाताओं को तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि वाराणसी तय करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री या फिर नहीं। चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।